Assalamu alaikum, dear student. I am sayeda Arba Fatima. We are doing unit number 11, parallelograms and triangles, grade 9th. So, today we are going to start exercise 11.4. Let's move towards the light board. Exercise 11.4. Question number 1 is The distance of the point of concurrency of the medians of a triangle from its vertices are respectively 1.2. 1.4 एंड 1.6 फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियंस इसमें क्या करना है हमें गिवन क्या है हमारे पास पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी कौन सा होता है स्टूडेंट जिस पे हम अगर अपने हर वर्टिसेस से ड्रा करें एक मीडियन मतलब तीनों से मीडियंस को ड्रा करें और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे आपस में कंसाइड करेंगे वो पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी होता है तो हमें वर्टेक्स से लेके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तक क्या है डिस्टेंस गिवन है जो कि है 1.2, 1.4 एंड 1.6 सेंटीमीटर हमने क्या करना है मीडियन की पूरी लेंथ फाइंड करनी है कंप्लीट लेंथ फाइंड करनी है इसके लिए क्या करते हैं फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तक हम इसको समझ सकें कि हम इसको किस तरीके से लेकर चल रहे हैं अगर मैं इसे इस तरीके से मैंशन कर दूँ ए बी सी और यहाँ से मैं इसका ड्रॉ कर दूँ मीडियंस मीडियस हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट इसको देखिएगा इसका मिड पॉइंट ये है इसका ये है ये है तो ए वर्टेक्स से इस तरह से हमने ड्रा कर दिया इसको मैंने कह दिया ए बी सी इसे मैं कह देती हूँ पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर इनको नेम भी राइट कर देंगे डी ई एफ और ये जो पॉइंट है स्टूडेंट इसको हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इससे मैं नेम दे देती हूं पॉइंट जी और ये क्या है बेसिकली दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ दिस ए ई सी डी एंड बी एफ आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ये हमारे पास ट्राइंगल है और ये क्या है तीन हमारे पास मीडियंस हैं अब हमें गिवन क्या है उसको यहाँ पे करते हैं मेंशन कहाँ से लेके कहा तक का डिस्टेंस गिवन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ़ द मीडियम्स ऑफ अ ट्राइंगल फ्राम इट्स वर्टसिज मतलब इस पॉइंट से वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो क्या है गिवन है तो हम इसको इसी सीक्वेंस में कर लेते हैं मेंशन वन पॉइंट टू सेंटीमीटर वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर एंड वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर हमने ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कर दिया मेंशन अब देखें बेसिकली हमें क्या चाहिए अगर मैं ए e की बात करूं ए जी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड ए ई इसका मतलब मुझे कंप्लीट चाहिए तो so, मिसिंग क्या है अगर मुझसे मुझे जी से ई e तक की लेंथ पता चल जाए तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी और मेरे पास क्या आ जाएगा ए ई e आ जाएगा तो स्टूडेंट अभी हम एक थ्योरम को प्रूव करते हुए आ रहे हैं जो कि मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है हम बेसिकली ये देख रहे हैं उसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन किस सेंस में हमने क्या बात की थी हमने देखा था कि एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के ड्रॉ किए थे मीडियंस मीडियंस आपस में थे कंकरेंट हमने एक चीज़ ये प्रूव की थी और दूसरा हमने ये बताया था कि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बेसिकली द ट्रांसक्शन ऑफ द मीडियंस वो क्या होता है मीडियंस का ट्रांसक्शन होता है इसका मतलब है कि हम वहाँ पे कौन से रेशो देखते हैं वन रेशो टू हमें नज़र आती है तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे वन रश टू का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो आ, हमारे पास ये लेंथ और ये लेंथ जो हमें नज़र आ रही है हम क्या करेंगे एक को दूसरे का ले लेंगे हाफ मतलब हमें शो होगा कि हम एक साइड को दूसरे का क्या ले सकते हैं हाफ ले सकते हैं ऑब्वियसली हमने फिगर रेंडमली ड्रॉ की है प्रॉपर किसी न्यूमेरिकल uh, वैल्यूज़ के साथ ड्रॉ नहीं की कि हमने कितने सेंटीमीटर के लिया है ट्रायंगल किस हम शेप में बात कर रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा हमें पॉइंट uh, नज़र आने में हो सकता है कि हम कहेंगे नहीं ये हाफ नहीं लग रहा तो बेसिकली हम किस तरह इसको शो करेंगे कि ये पार्ट स्टूडेंट क्या है हमारे पास ये पार्ट है इस पार्ट का हाफ ये पार्ट जो हमें गिवन है ये इसका क्या है हाफ है तो हम सबसे पहले इसका हाफ फाइंड करेंगे इस फिर स्कोर इसको कर देंगे ऐड तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ए ई किस तरीके से आया है सबसे पहले हम सॉल्यूशन में राइट कर लेते हैं जो चीज़ें हमें गिवन है हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास कौन कौन सी हमें जो है साइड्स वो गिवन है क्योंकि हमें कोई पॉइंट बताए तो नहीं हुए तो हम यहाँ पे इनके जो नेम्स हैं जो हमने रखे हैं उनको इस तरीके से कर देते हैं मैंशन लेट ट्राइंगल ए बी सी हमने ट्राइंगल ए बी सी कर लिया लेट क्योंकि हमने चीज़ें खुद यहाँ पे लेट uh, की हैं सपोज की हैं तो ऑब्वियसली इसको हमें बताना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से उन चीज़ों को लिया है लेट ट्राइंगल ए बी सी और उसके बाद हमने क्या किया है जो मीडियंस ली हैं उनको करेंगे यहाँ पर मैंशन अब वो मीडियंस कौन कौन से हैं लेट ए ट्राइंगल ए बी सी एंड हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे मीडियंस के बारे में ए ई बी एफ एंड सी डी आर दीडियन ऑफ इट ये क्या है तीनों इसके मीडियम हैं ये हमने कर दिया यहाँ पे मैंशन एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी और कर रहे हैं जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्योंकि ये तीनों मीडियम जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या है पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी है और ट्रासेकशन वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर करने लगे हैं अप्लाई हमें पता है कि अगर हम फाइंड करना चाहें ए ई e की लेंथ तो वो हम किस तरीके से फ़ाइंड कर सकते हैं ए जी मैयर ऑफ ए जी प्लस मैयर ऑफ़ जी ई तो हम यहाँ इसे कह देते हैं अगर वन मैं इसको वन कह रही हूँ और मैं क्या करूँगी सबसे पहले इसकी वैल्यू कर लूँगी फ़ाइंड हमें पता है एज़ हमारे पास जो है ए जी है उसकी वैल्यू क्या है वन पॉइंट टू सेंटीमीटर है हमने किसकी फाइंड करनी है हमने स्टूडेंट फाइंड करनी है जी ई की तो जी ई फाइंड करने के लिए हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे जिसको मैंने अभी आपको बताया था तो बेसिकली हमारे पास जो जी ई -E आएगा वो किस तरीके से आ जाएगा जी ई -E आ जाएगा हाफ ऑफ ए जी अब क्योंकि ये हाफ़ है तो यहाँ पे मैं कर दूँगी इसको वैल्यू को पुट हाफ़ ऑफ़ ए जी क्या है स्टूडेंट हमारे पास ए जी इज़ वन पॉइंट टू सेंटीमीटर या मैं इसको वन पॉइंट टू अपॉइंट टू सेंटीमीटर्स राइट करती हूँ मैं इसको एज इट इज ही कर देती हूँ पुट उसमें अब देखें मैं इस वैल्यू को और इसको अगर पुट कर दूँ किस में इक्वेन वन में पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए जी एंड जी ई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए जी एंड जी ई इन इक्वेजन वन उसमें हम वन में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू कर लेंगे फाइन ए ई हम वैल्यूज करने लगे हैं पुट यहाँ पे वन पॉइंट टू सेंटीमीटर्स प्लस वन पॉइंट टू अपॉन टू सेंटीमीटर्स क्या करेंगे इसका एल्सियम ले लेंगे और चाहे तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे और इसका लिख देंगे आंसर वन पॉइंट एट सेंटीमीटर्स और एक हमने फाइंड कर लिया है मीडियन की लेंथ हम यहाँ पे बेसिकली सीख रहे हैं कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो हम रिजल्ट फाइंड करते हैं वो बेसिकली हम किसी भी जगह पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो हमने ए तो स्टूडेंट कर लिया है अब हम देखते हैं अब हम आ, हमने क्या फाइंड कर लिया है हमने फाइंड कर लिया ए ई e, अब हम फाइंड करने लगे हैं सी डी तो सी डी किसके इक्वल होगा मयर सी डी इक्वल्स टू अब इन दोनों को हम कर देंगे एड मयर सी जी प्लस मयर जी डी इसको मैं कह दूंगी टू अब इसके लिए भी मैं दोनों वैल्यूज को यहाँ सी जी तो मुझे ऑलरेडी पता है कि क्या है उसको मैं करूँगी मैंशन मैयर सी जी इक्वल्स टू वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर्स अब ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे करेंगे मैंशन मयर जी डी इज बेसिकली हाफ ऑफ मैयर सी जी और यहाँ पे कर देंगे वैल्यू को पुट अब सी जी क्या है वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर्स तो यहाँ पे करते हैं राइट मैर जी डी जो है हमारे पास स्टूडेंट क्या है यहाँ पे कर देते हैं मेंशन, ये आ जाएगा वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर अपॉन टू और क्या करेंगे दोनों वैल्यूज़ को कर देंगे पुट इक्वल टू में पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ किन किन की वैल्यूज पुट कर रहे हैं स्टूडेंट मैर सी जी एंड मैयर जी डी इन इक्वेन टू इक्वेन टू में पुट करेंगे हमारे पास दूसरे मीडियन की लेंथ आ जाएगी जो कि है मैयर सी डी इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर प्लस 1.4 पॉइंट फोर अपॉइन टू सेंटीमीटर अब आप क्या करेंगे सेम चीज को करेंगे उस पर कैलकुलेटर पर सॉल्व और डायरेक्टली आंसर कर देंगे राइट तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1 पॉइंट सेंटीमीटर तो हम इसको इस, इस तरीके से कर देते हैं यहां पर मेंशन ये क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास आ गया है सी जो कि सेकेंड लेंथ है मीडियन की हम कर चुके हैं फाइन अब हम मूव करते हैं थर्ड की तरफ जो कि है बी एफ तो क्या करेंगे बी के लिए भी हम एक बना लेंगे इक्वेन तो अब हम जा रहे हैं बी के लिए इक्वेन बनाने मयर बी एफ इज इक्वल्स टू मयर बी जी प्लस मयर जी एफ और इसको हम कह देंगे थ्री अब हमें मयर मयर बी जी तो गिवन है जो कि क्या है 1.6 पॉइंट सेंटीमीटर्स और मैर जी एफ़ कैसे फ़ाइंड करेंगे हाफ़ ऑफ़ दिस इज़ द हाफ ऑफ़ मैर बी जी तो हम यहाँ पे कर देंगे वैल्यू को पुट और फाइनली देखेंगे इसका आंसर आता है क्या तो ये हमारे पास आ जाएगा मैर जी एफ़ इक्वल्स टू वन बाय टू इन टू अब थर्ड साइड हमारे पास क्या थी वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर वन वन पॉइंट सिक्स आ जाएगा जी एफ हमारे पास आ जाएगी लेंथ वन पॉइंट सिक्स अपॉन्ट टू सेंटीमीटर्स अब हम क्या करेंगे इन दोनों को पुट कर देंगे किस में अपनी जो इक्वेशन है उसमें और फाइनली इसका करेंगे आंसर फाइंड पुटिंग द वैल्यूज़ पुटिंग दैल्यूज़ ऑफ़ किन किन की वैल्यूज स्टूडेंट uh, हमने करनी है पुट वो देखते हैं हमने पुट करनी है मयर बी जी एंड मयर जी एफ इन थ्री थ्री में कर देंगे हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट और देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन कौन सी थी दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन बी एफ इक्वल्स टू अब कर देंगे वैल्यूज़ को पुट ये आ जाएगा हमारे पास 1.6 सेंटीमीटर प्लस 1.6 अपॉन टू सेंटीमीटर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे कर देंगे वैल्यूज़ की यहाँ पे राइट 2.4 सेंटीमीटर एंड दैट्स इट आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमने किस तरीके से तीनों के तीनों मीडियम की लेंथ फाइंड कर ली है देर फोर यहाँ पर मैंशन करते हैं मैयर ए ई इक्वल्स टू वन पॉइंट एट सेंटीमीटर मैर सी डी इक्वल्स टू टू पॉइंट वन सेंटीमीटर एंड मैर बी एफ इक्वल्स टू टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर तो हम कह देंगे स्टूडेंट yes, हमने देखा कि हमने किस तरीके से यहां पे मीडियंस की लेंथ को तो किया फाइंड हमने क्या किया था हमने अप्लाई किया है लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को इस पर और देखा है कि ट्रांसेक्शन मेथड को जहन में रखते हुए हम किस तरीके से कंप्लीट लेंथ फाइंड कर सकते हैं किसी भी मीडियन ऑफ ट्रायंगल की यस yes, स्टूडेंट आज जो हमने क्वेश्चन नंबर वन किया है प्रूफ आई होप वो आपको होगा क्लेरिफाई सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज